तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वंस अनदर टेक्निकल वीडियो कुंदन टेक्नो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रेप्टो का रेट कार्ड समझाने वाला हूँ कि रेप्टो का रेट कार्ड होता है उसमें क्या क्या आपको मतलब समझ में नहीं आता है रेप्टो का रेट कार्ड और सिर्फ राइड करते हैं तो ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। आप पहले रेट कार्ड को समझिए, उसके बाद ही आप राइड कीजिए, तभी जाके आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। एक तरफ तो मैं अर्निंग वाला बताऊंगा और दूसरी दो स्क्रीनशॉट दूंगा मैं आपको। एक तरफ रेट कार्ड दे दूंगा और एक तरफ अर्निंग, और उसको मैं दोनों को आपको अच्छे से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और फिर भी अगर दोस्तों अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आएगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी का है, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ से भी आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको सारा चीज़ समझा दूँगा और मेरे से जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। और दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नहीं होते कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको रेट कार्ड और उसका अर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ रेप्टो का रेट कार्ड और उसका अर्निंग, दोनों मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा, तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं रेप्टो को खोल देता हूँ। तो रेप्टो कैप्टन को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अर्निंग दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ अर्निंग एंड रिडीम दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे आपको एक फर्स्ट नंबर पे ही आपको रेट कार्ड शो करेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बेस फेयर है आपका 11 रुपया आपको दिखा रहा है, उसके बाद मिनिमम फेयर 15 रुपया है। तो मैं आपको बता दूँ, बेस फेयर जो होता है कि आपको कम से कम जैसे ही बुकिंग आएगा तो आपका 11 रुपया आपका बन जाएगा, जब उसको मतलब पिकअप कर लेंगे कस्टमर को तो वहाँ से आपको 11 रुपया तो बेस्ट फेयर है वो तो बनेगा ही। और मिनिमम फेयर 15 रुपया क्यों दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि 11 रुपया तो आपको बेस मतलब नॉर्मली ऐसे बेस दे रहा है, लेकिन आपको 15+ ही आपका फेयर बनेगा जब भी बनेगा। तो ये चीज़ है, मिनिमम फेयर भी आपको 15 रुपया दे रहा है, दोनों ऐसे लिख रहा है। तो आप ये जो होगा 15 रुपया प्लस ही आपका बनता है, इसलिए मिनिमम फेयर आपका दे रहा है, क्योंकि अब जब भी किसी को ये करेंगे आप तो उसको तो 1 से 2 किलोमीटर जरूर पहुंचाएंगे। उसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या है, एवरी किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर में आप रहते हैं या 6 किलोमीटर तक आप चलते रहे 3 रुपये प्रति किलोमीटर देगा आपको। दूसरी आप 6 से 8, जैसे ही 6 से 6 किलोमीटर लेके 8 किलोमीटर के बीच में दूरी तय करेंगे तो 5 रुपये किलोमीटर प्रति किलोमीटर मिलेगा, और उसके बाद आपको 8 से 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 7 रुपये किलोमीटर चलेगा, और उसके बाद 10 किलोमीटर से ज़्यादा आप चलेंगे तो 9 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस पर मिनट, हर एक मिनट जितने मिनट में आपको कस्टमर को पहुँचाना है मतलब जहाँ पर भी ड्रॉप लोकेशन है वहाँ तक जाएंगे, अगर 10 मिनट में जाएंगे तो 10 रुपये आपको बन जाएगा, मतलब जितना 1 रुपये किलो पर मिनट हो मतलब जितना मिनट में आपको कस्टमर को छोड़ेंगे उतना रुपये आपको बनेगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म चार्जेस है जो 15% आपका जो बिल पे आता है, तो ये तो प्लेटफॉर्म तो अलग चीज़ है, इसको छोड़ दीजिए, आप ये चीज़ मेन समझ लिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं आपको अब दिखा देता हूँ जो मेरा अर्निंग है, उससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आपको अच्छा से लेकर दिखा देता हूँ, देखिए एक मैंने राइड किया था आपको समझाने के लिए, बस एक राइड किया था, वो इसमें आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं 29 रुपये में मेरा बना तो हुआ है। तो बेस फेयर क्या है, 11 रुपया जो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाए थे, तो बेस फेयर आपका 11 रुपये बन गया। उसके बाद डिस्टेंस फेयर कितना, मतलब 3.3 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चल रहा है, और तो यानी कि 6 किलोमीटर से अंदर में तो 3 रुपये किलोमीटर हुआ, तो आपका कैलकुलेट करके देख सकते हैं 9 रुपये 97 पैसा आएगा आपका। उसके बाद आपका टाइम फेयर मतलब कितना मिनट लगेगा, 13 मिनट 7 सेकेंड है, तो यानी कि तो 13 रुपये 7 पैसा, क्योंकि 1 रुपये पर मिनट है। और प्लेटफॉर्म चार्जेस जो -5.2, मतलब मैंने ये 5 रुपया ये माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक जो है प्लेटफॉर्म चार्जेस स्टेशन से मैंने ये राइड उठाया था तो उस चीज़ का है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, बेस फेयर आपका 11 रुपया होगा, डिस्टेंस फेयर मतलब कितना किलोमीटर, 3.32 किलोमीटर है तो आपको मतलब 3.32 है, तो यानी कि 3 रुपये किलोमीटर आपको जोड़ेगा 6 किलोमीटर के अंदर में इसलिए। और उसके बाद टाइम कितना टाइम में लगा तो उसका आपको 1 रुपये पर मिनट के अनुसार दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कैलकुलेट करके आपको 29 रुपये 47 पैसा आ रहा है दोस्तों।
तो यही थी वीडियो दोस्तों, वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय।